नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर थ्योरम। तो इस तरह से हमने की थी रिमाइंडर थ्योरम, सेम वैसे ही फैक्टर थ्योरम कि इफ पी एक्स इज अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड ए इज एन रियल नंबर देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी इक्वल टू जीरो एंड इफ पी इक्वल टू जीरो पी इक्वल टू जीरो इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। दोनों चीजें होंगी, इफ पी इक्वल टू जीरो देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स एंड इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी इक्वल टू जीरो। इसी पर बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 2.4। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स हैज एक्स प्लस वन एज अ फैक्टर। पॉलीनोमियल हमारा गिवन है पी एक्स, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो चेक करना है कि एक्स प्लस वन इसका फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर थ्योरम यहाँ यूज करेंगे, तो एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो करेंगे जिससे हमें डिवाइड करना है, और तो एक्स इक्वल टू होगा माइनस वन। तो एक्स इक्वल टू माइनस वन इस पी एक्स में पुट करेंगे तो वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल होगी पी माइनस वन, तो इक्वल टू माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। तो ये हो गया प्लस टू और प्लस माइनस टू इक्वल टू जीरो। सो पी माइनस वन ये इक्वल टू यहाँ जीरो आ गया। दैट मीन्स बाई फैक्टर थ्योरम इफ पी इक्वल टू जीरो देन एक्स माइनस इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो इसलिए एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल पी एक्स। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन में करना है कि पी एक्स और जी एक्स ये दो पॉलीनोमियल्स दिए हैं, तो चेक करना है कि इफ जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलीनोमियल पी एक्स। तो इफ एक्स जी सबसे पहले हम जी एक्स को इक्वल टू जीरो करेंगे, तो एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो किया तो एक्स इक्वल टू माइनस टू, और एक्स की इस वैल्यू पर अगर पी माइनस टू इक्वल टू जीरो है तब तो ये फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब पी माइनस टू चेक करेंगे, तो एक्स की जगह माइनस टू पुट किया, माइनस टू क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस टू स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस टू प्लस वन। तो ये हो जाएगा माइनस एट प्लस का फोर इंटू थ्री ट्वेल्व माइनस सिक्स प्लस वन। तो ये हो गया 13 और माइनस 14 इक्वल टू माइनस वन। तो पी माइनस टू इक्वल टू आएगा माइनस वन, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स कि पी ए इज नॉट जीरो, दैट मीन्स बाय फैक्टर थ्योरम क्या होगा, जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। सिमिलरली इसके बाकी पार्ट्स करना है। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमारा फैक्टर थ्योरम का यूज है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो पी एक्स गिवन है, k की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है, और x माइनस वन इज अ फैक्टर ये दिया है। तो पी एक्स पहले दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, तो x प्लस वन इज फैक्टर, तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो करेंगे तो x इक्वल टू प्लस वन आएगा यहाँ से। तो बाय फैक्टर थ्योरम क्या होगा कि इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स देन पी वन विल बी इक्वल टू जीरो। तो पी वन मीन्स x की जगह वन पुट करेंगे तो वन स्क्वायर प्लस वन प्लस के इक्वल टू जीरो, वन प्लस वन प्लस के इक्वल टू जीरो। तो टू प्लस के इक्वल टू जीरो, टू को उस तरफ लेगा तो के इक्वल टू माइनस टू, ये हमारा आंसर होगा। थर्ड पार्ट में पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन, सेम यहाँ होगा एक्स इक्वल टू वन अगर फैक्टर है तो पी वन इक्वल टू जीरो होगा। दैट मीन्स एक्स की जगह वन पुट करेंगे के इंटू वन स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू वन प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया के माइनस रूट टू प्लस वन इक्वल टू जीरो, बाकी को उस तरफ ले गए तो के इक्वल टू रूट टू प्लस वन इस तरफ है, तो इधर जाकर के माइनस का बन जाएगा, ये हमारा आंसर होगा।